हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्रथम उपचार पर। जैसा कि आप जानते हैं, कहानी है मोहन नाम के लड़के की। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो जाकर देखिए, नहीं तो आपको ये कहानी समझ नहीं आएगी। मोहन निकला था सैर करने पूरी दुनिया की, और वो जब बस में बैठा तो उसको एक दादा मिले। उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहानी शुरू होती है अब। होली वाला दिन था, वो अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा था। खेलते खेलते वो बहुत थक गए थे, फिर वो घर जाकर आए। शाम को जब वो घूमते फिरते एक चाय की टपरी पे पहुँचे, जहाँ उस लड़के ने अंकल से चाय का बोला। अंकल ने उन लोगों को चाय दी। वह जब चाय पी रहा था तब उसने देखा कि कुल्हड़ में बहुत अच्छी डिज़ाइन बनी हुई थी। वो वापस गया अंकल के पास और उसने पूछा कि अंकल, ये डिज़ाइन किसने बनाई। अंकल ने हंस के जवाब दिया कि ये डिज़ाइन एक हमारे गांव में पुराना लड़का था, उसने बहुत साल लगा कर ये डिज़ाइन बनाई, पर उसके साथ बहुत घटनाएं घटी थी। इससे पहले आपके मन में ये सवाल होगा कि मोहन की बस कहां तक पहुंची। मोहन की बस सिर्फ आधा घंटा दूर थी एयरपोर्ट से। अंकल ने मोहन को बताया, वो वापस आके अपने दोस्तों के साथ बैठ गया और कप को देख के बहुत खुश था। फिर उन लोगों ने देखा कि बहुत रात हो चुकी थी, तो उन लोगों ने फैसला किया कि होटल जाकर वापस सो जाएं। मोहन जब वापस आके अपने कमरे में सोया तो उसने ये चीज़ देखी। उसने देखा कि उसका पूरा बिस्तर बिखरा हुआ है। वो बहुत डर गया और जल्दी से भागकर अपने दोस्तों के पास वो जाकर सब उसने बता दिया। उसके दोस्त देखकर हैरान थे। वो लड़का बहुत चिंता में आ गया और उसके दोस्त भागते हुए आए। उन लोगों ने कमरा देखा, फिर उसकी सफाई करी। उस लड़के से पूछा, कुछ चोरी तो नहीं। उसने बोला नहीं, पर एक चीज़ वो देख के बहुत डर गया था। उसने देखा कि वो चाय का कप जो उसने चाय की टपरी पे पिया था, वो उसके बिस्तर पे टूटा पड़ा है। ये बात उसने अपने दोस्तों को बताई और उसके दोस्त बहुत चिंता में आ गए थे कि अब क्या करें क्या करें क्या करें। कुछ समय बीत गया और उस लड़के को हार्ट अटैक आ गया, उसकी वहीं मौत हो गई। उसके दोस्त बहुत डरे हुए थे और बहुत सहमे हुए से थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने जल्दी जल्दी उसको वहीं छोड़कर और भाग के उस चाय की टपरी वाले के पास गए और उसको पूरी बात बताई। चाय की टपरी वाले ने उनको ऐसी बात बताई जिन्हें सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर क्या कहा उस चाय की टपरी वाले ने, वो सब देखना चाहते हो तो हमारे पार्ट 3 का इंतज़ार करें। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।